नमस्कार, हम हैं आपके मुखिया और रेडियो पिटारा पर यह है मुखिया समाचार। आज का मुखिया समाचार केंद्रित है लॉकडाउन के दौरान किए जा सकने वाले कृषि कार्यों के लिए कुछ दिशा निर्देशों पर। किसान मित्रों, लॉकडाउन के दौरान फसल की कटनी और दौनी के लिए आप आधिकारिक मशीनों जैसे कि रिपर कंबाइंडर व थ्रेशर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हंसिया या किसी हस्तचालित यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो दिन भर में उसे कम से कम 3-4 बार साबुन पानी से धोकर उन्हें संक्रमण रहित कर लें। मशीन की हैंडल और स्टीयरिंग की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कटनी और दौनी के दौरान एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसके अलावा कुछ समय के अंतराल पर साबुन से हाथों को धोते रहें। कृषि कार्यों में लगे सभी लोग अपने खाने पीने की चीजें और अपने बर्तन अलग अलग रखें। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कटाई उपकरण का प्रयोग करे और इनका आदान प्रदान तो बिल्कुल ही ना करे। कटनी और दौनी के समय नाक और मुंह को ढकने के लिए अच्छी क्वालिटी के मास्क का प्रयोग करें तथा इस समय पहने गए कपड़ों को अच्छी तरह से धोने और धूप में सुखाने के बाद ही इन्हें फिर से पहने। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम, सरदर्द या बुखार हो तो उसे कृषि कार्यों में बिल्कुल भी शामिल ना करें। रेडियो पिटारा पर ये थे मुखिया समाचार।